Hello friends! इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज के दिन में अगर हम बात करें ऑलरेडी दो वीडियो आ चुकी है दो नौ वीडियो को जाके देख लीजिएगा सुपर 22 स्टॉक्स की बात करें इसमें 22 स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करी है जिसमें लो रिस्क हाई रिटर्न आपको मिल सकती है एज वेल एज बात करें फंडामेंटली स्टॉन्ग से स्ट्रॉन्ग शेयर है स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म जैसे रखना है आप इसमें कर सकते हो ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर बात करिए इंडिक ओपिन से टारगेट वगैरह सब बताया यहाँ पर शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना है नहीं रखना है वो आप अपनी

करना है शेयर करना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ दूसरे लोगों को भी बताना है उन लोगों को लाना है हमारे चैनल पे ताकि वो इस तरीके से यहां पर पर आके सीख सके क्योंकि लगभग करोड़ अगर बात करें तीन से चार करोड़ एक साल के अंदर अंदर लोग यहाँ पर मार्केट में आते हुए दिखाई दिए तो ये बहुत बड़ा फिगर है तो लॉस लौ, में कोई ना जाए तो ये हमारी हमेशा विश रहेगी तो आइए वीडियो की तरफ तो चलते हैं तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाली हैं उसका नाम है रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड इससे शेयर से रिलेटेड काफी टाइम से मैं आपको सोच रहा था बताऊं बताऊं आज के दिन की बात करें तो लगभग चार पांच परसेंट ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया था उसके बाद थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दिया है बट अगर हम बात करें यहाँ पर फाइव डेज का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव है वन मंथ का चार्ट पैटर्न वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट है सिक्स मंथ का चार्ट पैटर्न की बात करें तो वो आप देख सकते हैं यहां पर अच्छे खासे गेंद दिए है एयरटेल डेट में अच्छे खासे गेंद है वन ईयर में यहां पर अच्छे खासे गेंद दिए आपके पैसे दुगने

तो एक बिजनेस करती क्या पहले बहुत देख लेते तो रेपको होम फाइनेंस जैसे कि यहां लिखा हुआ है होम फाइनेंस तो फाइनेंस की कंपनी है मतलब तो बिजनेस ऑफ होम फाइनेंसिंग में कंपनी

प्रॉस्पेरिटी लोन न्यू हॉराइजन लोन आ, सी, सी लोन फिफ्थ प्लस लोन सुपर लोन इस तरीके के यहाँ पर इनके सारे कारोबार हमें दिखाई देते हैं तो इसके बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं और भी बहुत कुछ यहाँ पर जाके इनके बारे में होम पे जाके अबाउट अस के बारे में जाके यहाँ पर बहुत सारी चीजें तो देखने को मिल जाएगी इसके अलावा हम अगर बात करें कुछ चीजों की तो देखिए आपको पता ही है किस तरीके से रियलिटी स्टॉक भाग रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर घर बेचे जा रहे हैं क्योंकि हर एक लोगों को एक अलग घर चाहिए जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम का एनवायरनमेंट चला है तो एक शांति वाला स्थान ताकि वहाँ पर जाके काम कर सके तो लोग यहाँ पर घर जिस तरीके से घर अब बेचे जा रहे हैं इसके अलावा अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से तैयार हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की इनकमें बढ़ रही है पर कैपिटा इनकम यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पर जो लोन फाइनेंस कंपनी है होम फाइनेंस कंपनी है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आएंगी इसमें एच

फाइनेंस की कंपनी इनका काम ही लोन देना और लोन लेना इस, इस तरीके से आप इस को समझ सकते हैं बुक वैल्यू की रियल वैल्यू होती है चार सौ आसपास है इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए एच डी एफ सी की यहां 24 है, ये 8 के पे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है आरओसी की बात करें तो ये नाइन पॉइंट नाइन वन का नाइन पॉइंट टू थ्री है तो इसका आर भी बेहतरीन है तो ये सारी बताती है कि ये कंपनी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है मार्केट कैप इसका छोटा है इस चीज को हमेशा याद रखिएगा और बात करें ये कंपनी आई थिंक साउथ में ही ज़्यादा डोमिनेट करती हुई नजर आती है रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू यहाँ पर अच्छे खासे पिछले बारह क्वार्टर में बढ़ते हुए नजर आए हैं और पिछले दो तीन क्वार्टर में जो इनके रिवेन्यू आए हैं वो हाईएस्ट एवर रिवेन्यू है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी हाएस्ट एवर आना शुरू हो गए हैं और नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाइएस्ट एवर ही है इसके अलावा यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी हम बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है वन करोड़ टू ट्वेंटी ये हमेशा मतलब इंक्रीमेंट ही दिखाई दिया और इस बार की

डी आई एस ने यहाँ पर इंक्रीज़ करिए अठारह पॉइंट सेवन फोर से यहाँ पर ट्वेंटी नाइन एट इसके अलावा पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर ट्वेंटी सेवन है बट इसमें से वन पॉइंट वन टू परसेंट रिलायंस सिक्योरिटी अपॉर्चुनिटीज ए आई एफ स्कीम ने यहाँ पर ले रखी है तो अगर वन पॉइंट वन टू हटा दे तो लगभग इक्कीस परसेंट के आसपास इक्कीस है थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर पब्लिक के पास दिखाई देती है जिसमें सभी लोग यहाँ पर इंक्लूड होंगे तो इस चीज को यहाँ देखिएगा एज वेल well एज हम बात करें यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर चार्ट पैटर्न से रिलेटेड तो यहाँ पर एक आज के दिन में देखिए शेयर भागता हुआ भी दिखाई दिया थोड़ा सा यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं तो अगर बात करें <coughs> सॉरी तो हम यहाँ पर ये जो शेयर था यहाँ पर हाईएस्ट लेवल इसका अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया था बहुत 800 के लेवल के आसपास ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया था तो यहाँ पर देखें तो 800 के आसपास यहाँ पर शेयर सॉरी यहाँ पर बात करें तो 800 के लेवल पर ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया था तो जो कि बहुत 900 के पास आसपास था तो जो कि है बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे यहाँ पर आ चुका है ये शेयर पहली बात यहाँ पर ये चीज़ है दूसरी बात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि हम यहाँ पर देख लेते हैं अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो यह देखिए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर एक बार शेयर रुका फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक यहाँ पर रुका है और अगर हम बात करें इसके यहाँ पर कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है तो कब विथ हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर हम बात करें तो ये एक कब बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से जैसे कि मैं हमेशा बता रहा हूँ कि 50 डी के आसपास आके चीज़ें लौट रही है तो यहाँ पर भी देखिए 50 डी के आसपास आके चीज़ें लौट रही है और आज के डेट में भागा भी था थोड़ा सा गिर गया है और दोबारा ये दोबारा जब ये भागेगा तो अच्छा खासा यहाँ पर गेंद देता हुआ नजर आएगा और हमारे इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि आ, कितना यहाँ पर ये हमारे टारगेट निकल के आते हैं तो वो आपके सामने है यहाँ पर देख लीजिए लगभग यहाँ पर इसका ये है इसे अगर हम उठा के यहाँ पर रख देंगे पैटर्न पैटर्न चार पैटर्न के हिसाब से तो इसका जो रिटर्न आ रहे है वो लगभग लगभग कितने आ रहे हैं यहाँ पर देखे तो सेवन फोर्टी नाइन रुपीज तक ये शेयर जा भागता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर हम यहाँ से देखें कि कितना परसेंट के यहाँ पर गेन हो रहा है तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसके परसेंटेज तो लगभग लगभग 100% 100% के रिटर्न आपको मिल रहे हैं और एक से डेढ़ साल के अंदर अंदर और जिस तरीके से यहाँ पर चीजें चल रही है तो यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर भी यहाँ पर आपको ये सारे के सारे गेन 100% के मिल सकते हैं जिस तरीके की कंपनी भक्ति नजर आ रही है अब दूसरी बात की बात करें तो देखिए 2016 एज एज वेल एज 2017 दो साल के अगर परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं पर बेसिस पर, पर है दो, दो, दो पर सत्रह एक हजार करोड़ बात करें तो दुगने सौ करोड़ रिवेन्यू आते हुए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सब चीज यहाँ पर अच्छी होती हुई नजर आ रही है तो ये शेयर और बिजनेस यहाँ पर पीक पे चल रहे सारे तो ये शेयर और ज्यादा भागता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर नाइन तक भी शेयर टच हो सकता है एक बार यहां पर टच हुआ तो इस चीज से अगर बात करें तो पहला टारगेट यहीं पर ही है ट्वेंटी टू का जो इसका रीसेंट यहां पर टू वीक हाई बनाया था इसके अलावा बात करें यहां पर हंड्रेड परसेंट के टारगेट फिर इसके बाद बात करें यहां पर ये यह टारगेट बट पर बीच में हर्डल रह सकता है एक बार यहाँ पर हर्डल ले सकता है क्योंकि यहां पर इनके पाइवेट्स पॉइंट है इसके अलावा यहां पर अगर बात करें सिक्स फिर नीचे तो और अच्छा खासा चार पैटर्न बनाते हुए नजर आएंगे बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है शेयर करना है दूसरे लोगों से दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जोड़ना है So thank you so much. God bless.